हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संतोष साहू और आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारत के अंदर कब बनी? इस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से पहले भी कोई विधि भारत के अंतर्गत चलती थी और उन विधियों में क्या संशोधन हुए? कब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अस्तित्व में आई? किसके निर्देश पर सबसे पहले भारत में सीपीसी बनाई गई थी और उनमें क्या खामियां थीं? इन पर आज हम चर्चा करेंगे। और सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं, कौन कौन से मामले आ सकते हैं, किन मामलों को हम सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से निस्तारण के लिए लेकर के जा सकते हैं, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। कि सिविल, सबसे पहले शब्द को समझ लेना बहुत आवश्यक है। सिविल क्या है? वे मामले जो किसी भी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता या किसी भी ऐसे दांडिक स्वरूप विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रकृति के वादों के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे अचल संपत्ति संबंधी कोई वाद, चल संपत्ति संबंधी कोई वाद, कॉपीराइट का मामला, भरण पोषण से संबंधित मामला, वैवाहिक से संबंधित मामले, करार एग्रीमेंट से संबंधित मामले, बंटवारे से संबंधित मामले या इसी प्रकृति के कोई और मामले जो सिविल प्रकृति के अंतर्गत आ सकते हैं। क्या सिविल प्रकृति के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या निश्चित हो सकती है? नहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या अनिश्चित इसलिए हो सकती है कि बहुत सारे मामले सिविल प्रकृति के नेचर के होते हैं और उसके अंतर्गत आ सकते हैं। धार्मिक से संबंधित कोई मामला हो, रास्ते से संबंधित कोई मामला हो, किसी पद से संबंधित कोई मामला हो, ये सभी सिविल प्रकृति के संबंध में आ सकते हैं। इनकी संख्याओं को हम एक जगह निश्चित नहीं रख सकते। फिर भी पद संबंधी, कोई धार्मिक अधिकार संबंधी ऐसा अधिकार जिसमें कुछ पद जुड़ा हुआ हो या किसी भी ऐसा अधिकार जो आपका संपत्ति संबंधी अधिकार हो, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आ सकता है। सिविल प्रकृति के वादों को कैसे निपटाया जाएगा, सिविल प्रकृति के वादों में निस्तारण की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हम वादों को न्यायालय के समक्ष और किस न्यायालय के समक्ष लेकर के जाएंगे, उन न्यायालय में उन वादों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किसी पक्षकार के क्या अधिकार होंगे सिविल प्रकृति के बाद में, वादी के क्या अधिकार होंगे, प्रतिवादी के क्या अधिकार होंगे, आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं ऐसे ही समस्त फैक्टों पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसका ये निर्माण कब हुआ, ये कब बनाई गई और क्यों जरूरत पड़ी इसको बनाने की। तो सबसे पहले इसके संबंध में जानने से पहले हमें कुछ इसके इतिहास में भी झांक लेना चाहिए। सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर अगर अंग्रेजों के शासनकाल में सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 में बनाई गई थी और चार्ल्स वुड के निर्देश के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो सिविल प्रक्रिया संहिता उस समय प्रचलित थी उसके अंदर कुछ कमियां पाई गईं, जिनके कमियों को दूर करने के लिए सन 1877 में, 1879 में और 1882 में संशोधन किए गए। वह संशोधन भी कुछ हद तक संपूर्ण नहीं हुए, सर्वांगीण सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्माण नहीं कर सके, इसलिए उनमें कुछ खामियां पाते हुए सन 1908 के अंदर एक सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्माण जब किया गया तो क्या इसके अंतर्गत भी सर्वांगीण है? ये सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में पूर्ण रूप से सर्वांगीण नहीं है, किंतु इसमें जो विषय बताए गए हैं उनके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता सर्वांगीण है। हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी समय समय पर कुछ और संशोधन किए हैं, जैसे 1977 में संशोधन किया गया, 1999 में संशोधन किया गया, सन 2002 में संशोधन किया गया और सन 2015 के अंदर उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित कुछ और संशोधन भी हुए हैं।
संशोधन की प्रकृति आवश्यक रूप से किसी भी विधि के अंतर्गत इसलिए जरूरी होती है कि जब समय, परिस्थितियां और समाज में बदलाव होते हैं तो विधि के अंदर भी बदलाव कर देना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, विधि के लिए समाज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जो संशोधन होते हैं वो सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर किए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अस्तित्व। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम इसकी उद्देशिका में जैसा कि वर्णित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की उद्देशिका दर्शित करती है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन किया जाए, अर्थात जितनी भी सिविल न्यायालयों से संबंधित प्रक्रियाएं संचालित होती थी इस एक्ट को बनने से पहले, इस कोड को बनने से पहले, उन सबको एक जगह समग्र करके उनमें आवश्यक रूप से जो संशोधन आवश्यक हो उनको किए जाएं, उसके पश्चात इस संहिता का निर्माण किया जाए। अब बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य है शीघ्र और निष्पक्ष न्याय को उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है, क्या ये प्रक्रियात्मक विधि है, क्या ये मौलिक विधि है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। अब हम यहाँ अंतर करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक विधि है तो मौलिक विधि क्या होती है। तो मौलिक विधि वह होती है जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को बताती है, और प्रक्रियात्मक विधि वह होती है जो उन अधिकार और दायित्वों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बताती है। इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो प्रक्रियाएँ बताई गई हैं वह प्रक्रिया विधि के अंतर्गत ही आती हैं। और सिविल प्रक्रिया संहिता किस प्रकार से लागू होगी, क्या ये भविष्य संबंधी मामलों पर लागू होगी या भूतकालीन मामलों पर भी लागू हो सकती है। तो इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता लंबित और भविष्य की सभी कार्रवाइयों पर लागू होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता विधि भूतलक्षी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रखती है। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा महादेव बनाम रामलोचन EIR 1980 का बाद भी वर्णित किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को पूर्ण रूप से भविष्यलक्षी विधि माना है। अब बात करते हैं हम सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, कितने आदेश हैं। इस सिविल प्रक्रिया संहिता को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग धाराओं से संबंधित हैं और जो पक्षकारों के सारभूत अधिकारों और क्षेत्र अधिकार का सृजन करती हैं धाराएं, जबकि दूसरा भाग अनुसूची के एक के अंतर्गत आदेश 51 और उनके नियमों का वर्णन करता है, और वे आदेश न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध करते हैं जिनसे उन पक्षकारों और अधिकारों के दायित्वों को प्राप्त करने में क्या प्रक्रिया होगी, कैसे दावे न्यायालय में चलेंगे, यह सब वर्णन, कौन सा आवेदन कितने समय के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें कितने समय के अंदर जवाब दिए जाएंगे, किस प्रकार से साक्ष्य लिया जाएगा, किस प्रकार से बयान लिखे जाएंगे, यह सब आदेशों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं जितनी महत्वपूर्ण हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। सबसे पहले हमें सेक्शनों के ऊपर चर्चा करनी होगी, धारा 1 से लेकर के 158 तक, और उसके पश्चात हम आदेशों के ऊपर चर्चा करेंगे। आदेशों की एक बहुत अच्छी बात है कि ये धाराओं का ही एक प्रकार से विस्तृत रूप है, जो अधिकार धाराओं में बताए गए हैं उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया है। लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के बिना हम किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आज हम इस डेमो क्लास में यही चर्चा करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
कौन कौन से प्रावधान पढ़े जाएं, कौन कौन से प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाए, ये सब हम डेमो क्लास में अभी चर्चा कर रहे हैं और आगे आने वाली क्लासों में भी इसमें चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले यह जान लें कि इन सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो धाराएं 1 से लेकर के 158 तक दे रखी हैं उसके अंतर्गत संशोधन कौन कर सकता है, और जो आदेश 1 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं अनुसूची 1 में, उनमें संशोधन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले धाराओं की बात करें तो धाराओं में संशोधन करने की शक्ति संसद को और विधानमंडल को है, और आदेशों में संशोधन करने की शक्ति संसद, विधानमंडल और राज्य के उच्च न्यायालयों को भी है। उच्च न्यायालयों को भी है, यह एक अलग बात है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार के संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ एक उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए संशोधन एक सीमित परिधि के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वह किसी भी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वर्णित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में नहीं किए जा सकते। अगर किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई संशोधन किया गया है जो या तो किसी धारा से संबंधित या किसी आदेश या नियम से संबंधित किसी भी विधि का उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार किया गया संशोधन अभिभावी नहीं होगा और वह पूर्व में जो विधि बनाई गई है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह ही प्रभावी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालयों के द्वारा संशोधन करने की शक्ति एक प्रकार से सीमित है। उच्च न्यायालय सिर्फ वही संशोधन कर सकेंगे जो सीपीसी से संगत हो, और विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा इसमें आदेशों के अंतर्गत या जहां नियमों के अंतर्गत जहां जहां आवश्यक रूप से संशोधन वांछनीय थे वहां वहां संशोधन किए भी गए हैं, जो उच्च न्यायालय की संशोधन करने की शक्ति को दर्शित करता है, जो हमें एक्ट में, जब हम पूरा एक्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि किन किन उच्च न्यायालय के द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। अब बात करते हैं कि सीपीसी को पढ़ते समय हम इसको सरल कैसे बनाएं। तो सबसे पहला, हम जब कभी भी किसी भी न्यायालय में कोई भी व्यक्ति एक दावा लेकर के जाता है तो वह वादी कहलाता है, और जिस व्यक्ति के प्रति वह अपने अधिकार की मांग करता है, जिसके विरुद्ध वह दावा लेकर के जाता है, वह प्रतिवादी कहलाता है। तो इस वादी और प्रतिवादी के जो सभी अधिकार हैं और जो दायित्व हैं, उन सारी चीज़ों को इस सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कैसे प्राप्त किया जाए, यह सब कुछ इसी में समाहित किया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले अगर हम बेयर एक्ट को पूर्ण रूप से पढ़ा जाए, बेयर एक्ट के प्रत्येक सेक्शन पर, प्रत्येक आदेश पर, प्रत्येक नियम पर विस्तृत चर्चा की जाए, वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर वही प्रोविज़न पूछता है जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल में भी यूज होते हैं, और कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे इसके अंतर्गत, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमें उन्हें तो आवश्यक रूप से पढ़ना ही है। लेकिन वो सभी चीज़ें जो प्रैक्टिकल में, जिनके माध्यम से आवेदन लगाए जा सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार से अगर हम कोई दावा लेकर के जाते हैं, सबसे पहले तो ये जाँच की जाती है कि क्या वह दावा म्याद के अंदर है, क्या वह किसी विधि के द्वारा बाधित तो नहीं है। तो इस प्रकार की दावे में जो जांच होती है, यह प्रतिवादी उसको खारिज कराने के लिए भी कोई भी आवेदन दे सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है, और ये हम रेगुलर क्लास के अंतर्गत करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्लियर होगा, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उन सारे प्रोविज़नों को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जो बहुत बार आए हुए हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 हम बेयर एक्ट से पढ़ें, और इसके लिए सबसे पहले हमें बेयर एक्ट ही आरंभ करना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908।
1908 का अधिनियम संख्यांक है 5। यह भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का अधिनियम संख्यांक कौन सा है, और यह अधिनियमित हुआ है कब, तो 21 मार्च 1908 को सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियमित हुई है। इसकी उद्देश्य का क्या है, तो सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित विधियों को समेकन और संशोधन करने के लिए इसकी उद्देशिका बनाई गई है। अब बात करते हैं इसके संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार की। तो धारा एक वर्णित करती है, इसके पहले मैं लागू होने के संबंध में भी चर्चा कर लूं। 1 जनवरी 1909 को लागू हुई है और धारा एक वर्णित करती है कि इसका नाम क्या होगा संक्षिप्त। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका नाम है, और यह जनवरी के प्रथम दिन 1909 में प्रवृत्त हुई, अर्थात 1 जनवरी 1909 से सिविल प्रक्रिया संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत से तात्पर्य पूर्व में यह जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं थी। जनजाति क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकार यदि चाहे तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस जनजाति क्षेत्र की संपूर्ण भाग में या किसी भाग में उसके अनुपूरक या आनुषांगिक पारिणामिक सहित जितने भी संशोधन आवश्यक है कर सकती हैं, किंतु यह पूर्व में जम्मू कश्मीर रूप राज्य में लागू नहीं थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से 31 अक्टूबर 2019 से सिविल प्रक्रिया संहिता अब संपूर्ण भारत में लागू हो गई है। यहाँ हम उन जनजाति क्षेत्रों के संबंध में बात करते हैं कि ये किन जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं थी। तो इसके संबंध में संहिता के अंतर्गत बताया गया है कि जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में वर्णित थे, अर्थात 6th शेड्यूल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल है, अनुसूची है 6वीं, उसके पैरा 20 में जिन जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया था वे जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें शामिल माने गए हैं। संहिता में आगे वर्णित है कि अमनदीवी द्वीप समूह आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, अर्थात यहाँ पर यदि कोई विधि लागू थी तो सिविल प्रक्रिया संहिता के लागू होने के पश्चात क्या उस विधि पर कोई प्रभाव पड़ा है, तो इसके धारा एक के क्लॉज नंबर 4 यह बताता है कि अमनदीवी द्वीप समूह आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम या लक्षद्वीप, यहाँ यदि कोई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के लागू होने से पहले कोई विधि प्रवृत्त थी तो वह यदि सिविल सीपीसी किससे संगत है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता उसको प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात वो पूर्ववत लागू रहेंगे और बने रहेंगे। और आगे धारा 2 से जितनी भी आगे सेक्शन है उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धारा 2 काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत डिक्री संहिता इन सारी चीज़ों का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब डिक्री को हम पढ़ेंगे तो प्रिलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मुख्य परीक्षा में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है डिग्री से संबंधित, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर एक अलग वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी और उन सारे प्रोविजनों पर चर्चा की जाएगी जब हम प्री की हो या मुख्य परीक्षा की हो या इंटरव्यू की तैयारी करें, उनको हम किस प्रकार से, किस व्यवस्थित ढंग से तैयार करें कि वे हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हों, हम इस बात पर भी चर्चा करते रहेंगे आपकी क्लास में। तो अभी तक आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे द्वारा बताई गई है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि यह प्रोविज़न किसी भी प्रकार से कोई समझ में नहीं आया, तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, तो हम उनका धीरे धीरे सभी को उत्तर देंगे। धन्यवाद।